Good morning, students. Now, welcome to your Hindi class. तो बच्चों, ये सारे जो हम हर दिन अक्षर पढ़ते हैं, आपको मजा आ रहा है? पर पहले ये बताओ, ये आपको समझ में आ रहे हैं? या सिर्फ टीचर बोल रही है लिखो पन्ना भर के, पर उसके जो अक्षर है, शब्द है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना? ओके बच्चों, वेरी गुड. तो नाउ नेक्स्ट, तो आज का अक्षर शुरू करते हैं. चलो बच्चों, तो बच्चों चलो देखो, ये जो घर में बैठा है ना, आज का हमारा नया अक्षर. तो चलो बच्चों, पहले देखते हैं उसके शब्द. देखो हमारा आज का अक्षर है अक्षर व. इस अक्षर को बोलते हैं अक्षर व. बोलो अभी व. देखो ये जो व अक्षर है, आपको कुछ सिमिलर लग रहा है? हमने जो पहले ब अक्षर सीखा था, देखो ऐसे ही बनाया था ना, पर उसके पेट में क्या था? यस, एक रेखा थी. पर आज का जो व अक्षर है, उसके पेट में रेखा नहीं है, और इस अक्षर को बोलते हैं अक्षर व. तो देखो व क्या है ये? यस, वर्क. इसको बोलते हैं वर्क. देखो बच्चों, व से वृक्ष, जो हमें ट्री बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं वृक्ष. ठीक है बच्चों, पेड़ भी बोलते हैं हिंदी में, पर अभी हमारा आज का शब्द है व से वृक्ष. और देखो व से वस्त्र, वस्त्र मतलब जो क्लॉथ, जो हम पहनते हैं ना कपड़े, उसको हिंदी में बोलते हैं व से वस्त्र. ठीक है बच्चों, तो ये हैं हमारे व अक्षर के कुछ शब्द. व से और क्या आता है? चलो बोलो. व से आता है वधु. यस, है कि नहीं? तो देखो व से और क्या है शब्द? वनराज. तो जो मैं आपको दो तीन शब्द बताती हूँ, पर आपको भी और शब्द ढूंढने हैं. आपकी मम्मी पापा की हेल्प ले लो. ठीक है, हमने अभी तक जो सारे शब्द पढ़े, अक्षर पढ़े, तो जो सारे उसके जो रिलेटेड शब्द है, अक्षर है, वो तो आपने ढूंढे होंगे, है कि नहीं? तो इस अक्षर के भी शब्द आपको और ढूंढने हैं. तो बच्चों चलो देखते हैं वह अभी कैसे निकालते हैं. अभी आपकी बुक निकालो. तो बच्चों आपने अभी बुक निकाली आपकी, तो चलो वह अभी कैसे लिखते हैं वो देखते हैं. आपको आपके बुक में क्या करना है बताएं? पहले एक खड़ी रेखा देनी है, उसके बाद इस रेखा को ही आपको ऐसे आधा गोल बनाना है, और सर के ऊपर देनी है आधी रेखा. चलो एक बार फिर से देखते हैं. एक खड़ी रेखा, फिर एक आधा गोल, फिर आधी रेखा. ये बन गया हमारा आज का अक्षर व. तो देखो बच्चों, यहाँ आपको पूरा पन्ना भर के ये जो व अक्षर है वो आपको लिखना है. ओके,
तो याद है ना वह से कौन से शब्द आए थे? वह अक्षर के कौन से शब्द आए थे? वह से हमने देखा था वक, वह से वृक्ष, और वह से वस्त्र। तो बच्चों ये जो अक्षर है आपको अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों अभी ये जो व अक्षर है बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है? तो आज व के साथ एक और भी अक्षर हम सीखेंगे, वो भी देखते हैं। चलो आ गया। देखो बच्चों व के साथ हमारा अगला अक्षर आता है अक्षर श। इसको बोलते हैं अक्षर श। तो देखो बच्चों श से कुछ चित्र भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? तो चलो वो पढ़ते हैं अभी। देखो श से शलगम, ये जो एक वेजिटेबल है बच्चों, आपको बीटरूट पता है ना? यस। तो उसको बोलते हैं श से शलगम। श से शस्त्र, इसको बोलते हैं श से शस्त्र। देखो और कौन आ गया मीठा मीठा? हनी, पर इसको हिंदी में बोलते हैं शहद। है कि नहीं हनी? आप सबको पसंद है ना, और ये मीठा भी लगता है। इसको बोलते हैं श से शहद। तो बच्चों चलो फिर से अभी नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे अक्षर श। बच्चों हमने आज दो अक्षर पढ़े हैं, पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो देखो पहले हमने अक्षर सीखा था अक्षर व, उसके बाद अभी हम अक्षर लिख रहे हैं अक्षर श। तो देखो आपको आपके बुक में ऐसे पहले गोला बनाना है, फिर उसे उसको नीचे से खींचना है, फिर खड़ी रेखा, सर के ऊपर एक आड़ी रेखा। देखो यहाँ बिल्कुल टच नहीं करना है पर, ओके? श के बाद यहाँ एक खड़ी रेखा देनी है। तो देखो बच्चों फिर से एक गोला बनाओ, फिर उसे नीचे खींचो ऐसे, फिर खड़ी रेखा, सर के ऊपर एक आड़ी रेखा। एक बार फिर से देखो गोला बनाया, फिर उसे नीचे ऐसे खींचा, है कि नहीं? खड़ी रेखा, फिर सर के ऊपर आड़ी रेखा। ये था हमारा आज का अक्षर श। तो देखो ये जो व और ये जो श अक्षर है आपको पूरा पन्ना भर के लिखना है और उसके शब्द भी बोलने हैं। तो बच्चों आपको दोनों अक्षर भी अच्छे से समझ में आए? तो बोलो ये कौन सा अक्षर हमने सीखा था? वेरी गुड, अक्षर व, 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 और उसके बाद अक्षर आता है अक्षर श, श, श। समझ में आया? तो बच्चों ये दोनों अक्षर के शब्द आपको बोलने हैं और ये जो अक्षर है वो आपको पूरा पन्ना भर के लिखना है, ठीक है बच्चों? तो चलो उसकी छोटी सी कविता भी है। तो पहले व अक्षर की कविता बोलते हैं, फिर श अक्षर की। तो देखो बच्चों हमारे पास है ना कविता, देखो यहाँ। चलो व से वक पानी में आता,
दांव लगाकर मछली खाता। तो देखो बच्चों, व से वक पानी में आता, दांव लगाकर मछली खाता। और देखो श की कविता, श से शलगम घर में लाओ, इसको खाकर ताकत बढ़ाओ, है कि नहीं। देखो श से शलगम घर में लाओ, इसको खाकर ताकत बढ़ाओ, है कि नहीं। आपको तो पता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा के, मतलब सब्जी और फल खा के ताकत आती है ना। यस, तो अभी आप घर में हो तो मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करना है, और सारे वेजिटेबल, सारी सब्जी और फल भी खाने आपको, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।